नमस्कार किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आज जो मैं बताने वाला हूँ इस पंखे के बारे में जिसमें भूसा आता है, तो कई किसान भाइयों का कहना होता है कि ये वाले भूसा वाले में धान आ जाता है, तो क्यों आता है और इसका प्रॉब्लम कैसे होता है और इसको ठीक कैसे करना है, ये सब चीज़ आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो किसान भाइयों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो को वॉच करना, तभी आपको पूरा सेटिंग समझ आएगा। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, आपका जो थ्रेशर में जो भूसा वाले जो पंखा रहता है, इसमें अगर दाना उठा रहा होगा यहाँ से, तो आपको करना क्या है, आप चाहो तो झूला की स्पीड भी बढ़ा सकते हो। सामने से झूला को स्पीड बढ़ाने से आपको क्या करना है, ये जो पट्टी है इसको आपको थोड़ा सा ऊपर रखना है। अभी ये फुल टंगा हुआ है क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप झूला की स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो ये वाला जो पट्टी इसको आपको ऊपर करना है। झूला की स्पीड बढ़ाओ तो यहाँ पास जो धान जो ऊपर उठा रहा था वो थोड़ा से चला जाएगा, लेकिन इसके बाद भी आपको दाना जाने का शिकायत रहेगा थोड़ा, तो उसको कैसे ठीक करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, ये जो पीछे में जो बोल्ट रहता है दो, इसको आप एक एक दो दो चूड़ी नीचे कर देना। इससे क्या होगा, जो धान इस पंखे में उठा रहा था धान, वो उठाना बंद हो जाएगा। तो किसान भाइयों, आपको सामने का जो पीछे है, सामने वाले को नहीं छेना जो नट बोल्ट है, आपको सिर्फ ये पीछे का एक दो चूड़ी नीचे करना है। इससे क्या होगा कि जो धान इस भूसे वाले में उठा रहा था वो उठाना बंद हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इस तरह से सेटिंग करने से आपका जो भी धान जो इस भूसे वाले पंखे से उठा रहा था वो उठाना बंद हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को आगे शेयर करना, ताकि और किसान भाइयों को हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।